फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स, जो कि एक लर्निंग चैनल है जहां पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का डेली एनालिसिस वीडियो मिलता है, जहां पे हम कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स जो होते हैं उनका एनालिसिस वीडियो, जो उसका इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, बाइंग लेवल्स जो होते हैं उसके उसका एनालिसिस, और कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स देते हैं, कुछ वीकली पोजिशनल स्टॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। यहाँ पे हम लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, और हाल ही में हमने जो एक ट्राइडेंट जो शेयर है इसका एनालिसिस वीडियो मैंने पोस्ट किया था, जो 4 तारीख को मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद में जो है उसने सेकंड डे लगभग 8 या 9% का हाई लगाया था, और आज 8 तारीख है तो आज भी लगभग उसने 20% के आसपास जो है उसने हमें जंप देखने मिला है। वैसे ही हमने हैप्पीएस्ट माइंड का, वेरॉक इंजीनियरिंग्स का, सोनोकॉम्स जो है उसका, और ये आज मैंने एक दिन पहले अपलोड किया हुआ है, जो मल्टीबैगर स्टॉक होने वाला है 2024 का, जो इथेनॉल कंपनी है, इथेनॉल बेस जो कंपनी है उसका मैंने एक मल्टीबैगर शेयर जो हो सकता है ये मैंने एनालिसिस वीडियो में डाला है, जो आप चेकआउट कर सकते हो। का आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में आप देख सकते हो। और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हो या पहली बार आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे कुछ पेनी स्टॉक्स हो, चाहे कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स हो, और कुछ लाइव मार्केट में लर्निंग वीडियोज़ हो, लेवल्स हो, इसलिए उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे हम लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो है फिन निफ्टी के सॉरी लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हो तो ये वाला जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो QR कोड दिख रहा है, ये QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करके मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से लाइव अपडेट पाने के लिए। तो ये वाला जो है मैंने ये अपने पोस्ट किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, और आज अगर देखेंगे तो हमने 2:27 पे ही रेडी टू मूव डाउन साइड, ये वाला मैंने अपने चैनल पे अपडेट दिया था। और ये जो लेवल्स थे मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में जो लेवल्स डिस्कस किए थे अपने ग्रुप में, तो वो लेवल्स जो है हमारे परफेक्टली आ चुके थे, मेरे तीनों टारगेट आ चुके हैं। तो आप वो कल का एनालिसिस वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने ये लेवल्स डिस्कस किए थे, और बैंक निफ्टी के ऑल टारगेट अचीव हुई, ये मैसेज भी मैंने डाला हुआ है, ये वाला आप देख सकते हो। ये मेरा फाइनल टारगेट था 47,470 का, तो वो अचीव हो चुका है। और वैसे ही मैंने निफ्टी के भी टारगेट दिए हुए थे जो कि अचीव हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कुछ हम यहाँ पर लर्निंग पर्पज़ के लिए कुछ कॉल्स भी देते हैं, जो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए होते हैं, डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो श्योर शॉट कॉल जो होते हैं हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया और बैंक निफ्टी ने क्या किया, और कल के लिए हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो निफ्टी का मैंने ये वाला जो है डेली का कैंडल लगाया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम का, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो एक एम पैटर्न मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, और इसके जो टारगेट से अभी एक सेलिंग प्रेशर जो आज बना है, तो एक कल के लिए डाउन मूव एक्सपेक्टेड है, जो कि गैप डाउन से भी आ सकता है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमने एक बार देख लेते हैं, मैंने लेवल्स जो है मैंने प्लॉट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, जो मैं वैलिड है इसलिए मैं अभी हटाए नहीं हूँ, नए हैं क्योंकि वो अभी तक वैलिड है। आज अगर देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो बहुत ही प्यारा मार्केट ने प्राइस एक्शन फॉर्म किया था, और कंटिन्यूस लोअर लोस फॉर्म होते हुए मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें मिला है, लगभग 200 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में लगभग 700 पॉइंट का। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो 21,500 का जो लेवल है, ये मल्टी टाइम मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर देखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं बार जो है यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ पे क्लोजिंग हमें जो मिली है आज की वो 21,500 एंड
13 का क्लोजिंग मिला है और बैंक निफ्टी का जो है 47,450 का मिला है, तो 500 के ऊपर क्लोजिंग मिला है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये मैं एक बार लेवल अपना ओपन कर दूँ, लेवल मैंने प्लॉट करके रखे हुए हैं, तो आप वो एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये वाले जो है लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए हुए थे कल के लिए, जो कि अचीव हो चुके हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर कल बेस सिनारियो यही रहेगा कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है 21,500 के आसपास इसी जोन में, 530 से लेके 500 का जो रीज़न है यहाँ पे, अगर मार्केट ओपन होता है और नीचे डाउन साइड अगर कोई कैंडल हमें 500 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो लगभग जो है 430 से लेके 21,430 से लेके 21,500 तक, 21,450 का जो है ये जो गैप फिलिंग का एरिया है, ये फिल हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में ये वाला जो है। तो हमें कल जो है यहाँ पे लेवल्स ये वाले 21,430 तक के देखने मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये मैं यहाँ पे प्राइस लेवल लगा देता हूँ, तो कल के लिए हमारे लिए आसान रहेगा। ये जो है ये डाउन साइड के लेवल कल के लिए सेशन में हमें देखने मिल सकते हैं कल के लिए, जो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन या नेगेटिव कैंडल हमें यहाँ पे 500 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 21,500 सॉरी 21,458 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट 21,430, और थर्ड टारगेट जो हमारा होने वाला है, जो सॉरी फाइनल टारगेट होगा हमारा जो 400 का होने वाला है, उसे भी मैं एक बार मार्क कर दूँ। तो ये वाला जो लो है ये भी एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में। 1 मिनट इसे मार्क कर देता हूँ मैं। ये जो है 410 का, ये वाला भी एक बार टेस्ट हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ। तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो या तो गैप डाउन ओपन होके सीधा ही हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर मार्केट कल यहाँ पे 500 के ऊपर या 530 के ऊपर अगर कुछ ओपन होता है, तो हम फिर से एक सेल ऑन राइज देख सकते हैं, जहाँ पे हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी जो है 21,600 के आसपास हमें मिलने वाला है। यहाँ पे अगर कुछ 530 के ऊपर सस्टेन होता है और यहाँ पे आता है, तो यहाँ से जो सेल अप आया था यहाँ से हमें फिर से एक बार सेल ऑन राइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा 600 के लेवल के आसपास मार्केट क्या करता है, तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन देख के अपना पोजिशन बनाएंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो डेली में हमें एक एम पैटर्न नज़र आ रहा है, तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मैंने इसके भी लेवल्स जो है प्लॉट करके रखे हुए हैं, और इसके भी मैंने कल एनालिसिस वीडियो जो मैंने डाला था, वीकली एनालिसिस वीडियो, उसमें ये वाले जो लेवल्स दिख रहे हैं ये मैंने कल ही डिस्कस किए हुए थे, तो आप इसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी का जो है कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो होने वाला है, अभी ये वाले जो टारगेट है हमारे अचीव हो चुके हैं, और ये नीचे के भी टारगेट जो है मैंने प्लॉट करके रखे हुए थे पहले से, तो ये मैं इनको आगे ले लेता हूँ पहले। तो कल के लिए जो मार्केट ओपन होगा, अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो कल के लिए डाउन साइड के लिए मार्केट के लिए 47,243 का ये वाला जो है हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है, और सेकंड टारगेट जो है 46,977 या आप 47,000 ही पकड़ के चलिए, 47,000 हमारा फाइनल टारगेट होने वाला है, क्योंकि जो कि एक राउंड नंबर है। ये अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या इस रीजन में, मतलब जो 47,600 500 से लेके 500 हाँ 47,500 के आसपास अगर ओपन होता है और नीचे की साइड में अगर हमें कोई कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो नीचे के डाउन साइड के ये वाले टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं, जो कि हमें लेके जाएंगे 47,500
47,000 तक। तो कहीं ना कहीं 200-300 पॉइंट का ये जो है अभी फॉल प्रेशर जो है दिख रहा है कि अभी बाकी है डाउनसाइड के लिए। अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर की साइड में अगर निकलने की कोशिश करता है तो जब तक अभी 48,000 अभी क्रॉस नहीं करेगा तब तक बुलिश साइड के लिए कोई पोजीशन नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट में सेल ऑफ जो आया है 700 पॉइंट का, तो कहीं ना कहीं हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है मार्केट में। तो ऊपर की साइड अगर बुलिश पोजीशन अगर बनानी है तो 48,000 के ऊपर ही अभी बनाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम सेलिंग ही देख सकते हैं कल के लिए। अभी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो फिर निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं फिर निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो फिर निफ्टी एक बार चेक कर लेते हैं, पहले डेली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। स्लो क्यों हो गया, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू लग रहा है मुझे यहाँ पे, जो स्लो डाउन कर रहा है। ठीक, तो निफ्टी अगर देखेंगे आप फिर निफ्टी, इसमें भी कहीं ना कहीं एक जो है पैटर्न नज़र आ रहा है, यम पैटर्न जो है यहाँ पे। इसका अगर ये लो ब्रेक होता है जो कि है 21,260 का, इसके भी लेवल्स अच्छा मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। एक मिनट, मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ तो हमें आसानी होगी समझने में। तो देखिए फिन निफ्टी के भी बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट जो है अचीव हो चुके हैं, जो कि मैंने लेवल प्लॉट करके रखे हुए थे शायद ये कभी पीछे। तो फिन निफ्टी में भी अगर देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन तो काफ़ी प्यारा हमें दिखाई दिया है यहाँ पे। अभी ये जो रेंज बना है मार्केट के लिए ये वाला, एक मिनट मैं मार्क कर देता हूँ। अभी कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या इसी रीजन में ओपन होता है 21,320 से लेके 21,300 ये या 280 का आप पकड़ के चलिए, ये इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे नीचे निकलने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हमें ये वाले टारगेट जो है मार्केट में देखने मिल सकते हैं, जो कि मैं मार्क कर देता हूँ एक मिनट। तो ये जो लो है ये हमें कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है, एक मिनट प्राइस लेवल लगा देता हूँ मैं तो आपको देखने में आसानी होगी। एक मिनट, क्यों स्लो डाउन क्यों हुआ है पता नहीं, जस्ट अ मोमेंट। ये वाला जो है एक बार के लिए लो टेस्ट हो सकता है जो कि है 21,243। उसके बाद अगर मार्केट नीचे निकलता है तो मैं नीचे का एक और लेवल है जो हमें 200 तक लेके जा सकता है मार्केट, तो ये वाला जो है ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है फिन निफ्टी का 21,200। और उसके बाद अगर मार्केट और बेरिश होता है तो ये वाला हमारा जो है फाइनल टारगेट होने वाला है जो कि है 21,160 का, ये वाला होगा हमारा फाइनल टारगेट। ये वाले होंगे हमारे डाउनसाइड की लेवल्स फिन निफ्टी के लिए कल के लिए। और मार्केट अगर यहाँ पे 21,320 के या 30 के ऊपर अगर कोई सस्टेन करता है, ये वाला जो लो है मार्केट ने ब्रेक करके डाउनसाइड क्लोजिंग हमें दिया है यहाँ पे, अगर मार्केट इस लो से ऊपर निकलता है जो कि ये परसों का जो सॉरी कौन से दिन का है, 4 जनवरी का जो लो है उसके ऊपर, या आप इस लेवल को पकड़ चलिए पकड़ के ये वाला ये 330 का ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड कर सकते हैं जो कि हमें यहाँ तक के लिए टारगेट होंगे, जिसके ये वाला 400 का हमारा टारगेट होगा। लगभग 60 से 70 पॉइंट का जो है हमारा निफ्टी में एक कॉन्ट्रैक्टेड बनेगा यहाँ पे पुल बैक का, ये वाला एक निफ्टी में हमें एक टारगेट देखने मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। तो बेस सिनेरियो यही रहेगा कि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो, तीनों इंडाइसेस में फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड अगर मोमेंटम करेगा तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें इजीली देखने मिल सकते हैं।
तो आज का वीडियो इतना ही था, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।